वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कोरियन ग्लास स्किन के बारे में सुना होगा, जो कि अपने चेहरे पे कुछ ऐसा स्किन के रूटीन होता है, अगर हम उसको रेगुलर करते हैं तो हमें एंटी एजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल रहती है, यंग रहती है, ग्लोइंग रहती है, दाग धब्बों से हमें आजादी मिल जाती है, स्किन बहुत ज्यादा टाइट एंड फॉर्म हो जाती है। और वो सब कुछ किससे होता है? चावल से। जी हाँ, कोरियन स्किन केयर रूटीन जो है वो चावल को बहुत प्रेफर किया जाता है, स्पेशली राइस वाटर को। कई तरह से फर्मेंटेड राइस वाटर या फिर बॉइल्ड राइस वाटर या फिर जो हम पानी में सोक करती है चावल को, वो वाला पानी। तो किसी भी तरह से अगर आप राइस वाटर को अपने चेहरे पे अपने स्किन पे यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल तो मार्केट में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में राइस वाटर सिरप अवेलेबल आने लग गई है, राइस वाटर कंडीशनर इवन हेयर केयर प्रोडक्ट्स में आने लग गए हैं, अगर आपने देखा हो एड्स में। तो आज मैं इसी तरह से आपके साथ एक सिरम शेयर करूंगी जो कि चावल से बनेगा, चावल के पानी से यानी मार से, जो हम बॉइल करते हैं चावलों को, उसके बाद जो उसका पानी निकलता है जिसे यूजुअली हम फेंक देते हैं, जिसको मार बोला जाता है, उससे आज हम ये बनाएंगे। जीरो कॉस्ट रेमेडी है, सीरियसली खर्चा तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हफ्ते में 2 से 3-4 बार तो आपके घर में चावल बनते होंगे। बॉइल्ड बनाइएगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि बिना नमक डाले आपको बनाना है, और उसका जो पानी निकले, जो मार निकले, उसमें सिर्फ 2 चम्मच मार को आपको इस सिरप को बना लेना है। बाकी जितनी भी चीजें हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर लेस कर सकते हैं। इतना आसान और इतना हेल्पफुल ये रेमेडी बनने वाला है, इतनी अच्छी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं राइस वाटर में, कि अगर आपको चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, आपकी स्किन लटक रही है, टाइट नहीं है, या फिर अगर चमक और ग्लो नहीं है, तो आप इसको सिरम को यूज कर सकते हैं। 10 से 15 दिन इसको डेली यूज कीजिए, किसी भी एज ग्रुप के हैं, 12 15 13 साल के भी हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, 50 60 साल के हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके देखिए, आपकी स्किन पे नहीं जा नया ग्लो बिल्कुल आएगा ही आएगा। और रेमेडी जीरो कॉस्ट रेमेडी है, खर्चा तो होने नहीं वाला है। और आगे गर्मियों में आपको इस तरह की हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपनी स्किन पे, तो अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए। और ये राइस वाटर सिरम जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इसका देख लेते हैं कि कैसे बनाना है और यूज कैसे करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा राइस वाटर सिरम, जिसके लिए मैंने पैन में 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है और साथ में 2 चम्मच चावल को धोकर इसमें डाल दिया है। इसको आपको बॉयल दिलाना है, जिस तरह से हम चावल को उबालते हैं, उसके बाद चावल को हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये तो मैं आपको स्पेशली बना के दिखा रही हूँ, नहीं तो जब भी आप अपने घर पर चावल बनाएं तब आप उसकी माड़ इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए चावल पक चुका है, अब इसको ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद छान लेते हैं पूरी तरह से। जब आपका ये देखिए इस तरह से मैंने छान लिया, कितना अच्छा थिक कंसिस्टेंसी का ये राइस वाटर हमारे पास आ गया है, जो या फिर जिसको हम माड़ बोलते हैं, और इसी से आज हम बनाएंगे अपना बेहतरीन राइस वाटर सिरम। तो चलिए अब सिरम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूं एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही लेना पड़ेगा। 1 चम्मच एलोवेरा जेल मैंने लिया है, मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेंगे तो आप उसको स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। साथ में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हनी। हनी आप अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हनी डालेंगे तो ये एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को टाइट एंड फर्म करने का काम करता है। जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी हनी बहुत अच्छा होता है। अच्छे से इसको अब हमने मिक्स कर लिया, और इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी एक और बेहतरीन चीज। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आपको सूट करे आप ऐड कीजिए, जो चीज़ आपको सूट ना करे वो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली राइस वाटर, प्लेन राइस वाटर को भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। साथ में मैं डालूंगी ग्लिसरीन, 1 चम्मच ग्लिसरीन। सर्दी हो या गर्मी आप इस सिरम को लगा सकते हैं। ग्लिसरीन को भी आपको गर्मियों में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। इवन ऑयली स्किन वाले भी अगर स्किन में अपनी ग्लिसरीन रेगुलर लगाते हैं तो कभी भी उनको पिंपल्स नहीं बनते। साथ में इसमें डालते हैं हम अपना उबले हुए चावल का पानी। 2 चम्मच मैं इसमें राइस वाटर डालूंगी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पतली नहीं करनी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है। एक सिरम बनाना है और सिरम आपको पता है कि किस तरह से बनाया जाता है, कितना उसकी रिच कंसिस्टेंसी का होता है। अब इसके वाटर 1 चम्मच के करीब मैं इसमें रोज वाटर डालूंगी। अगर आप गर्मियों में इस सिरम को बनाएं तो रोज वाटर जरूर ऐड करें, क्योंकि रोज वाटर एक तो इसको ठंडक देगा, दूसरा आपकी स्किन पे दाग धब्बे हटाने का नेचुरल काम करेगा, बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। तो देखिए बस अब हमारा
एक बढ़िया सा राइस वाटर सीरम बनकर रेडी हो गया है और ये अब स्टोर करने के लिए रेडी है। इसको आप बहुत इजीली अब स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच बना है, आपकी स्किन को टाइट एंड फर्म करने के लिए बहुत अच्छा सा सीरम बन गया है। आपकी स्किन पे दाग धब्बे हटाने का बहुत बढ़िया काम करेगा, स्किन को ग्लो देगा, नरिशमेंट देगा। और देखिए, अब मैंने एक ये एम्प्टी कंटेनर ले लिया है, इसमें इसको स्टोर कर लेते हैं। फ्रिज में अगर आप इसको रखेंगे तो 10 दिन तक बहुत आसानी से चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो 5 से 6 दिनों तक ये चल सकता है। और फ्रेश ही बनाइए, इससे ज्यादा आप मत बनाइए, उसके बाद दोबारा बना लीजिए। बिल्कुल लो कॉस्ट सीरम बनकर रेडी हो गया है, बट बहुत इफेक्टिव है। और देखिए, ये जो एक राइस वाटर था जिससे कि हमने इतना बढ़िया सीरम बनाया है, ये वाकई बहुत इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। अगर आप सिर्फ चावल के पानी को भी डेली अपने चेहरे पे लगाते हैं तब भी बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलते हैं। तो देखिए, अब इस सीरम को जो कि हमने बना के रख लिया है, इसको आपको कॉटन पैड की हेल्प से अपने चेहरे पे इस तरह से अप्लाई करना है। आप साफ सुथरे चेहरे पे इसको अप्लाई कीजिए। सुबह अप्लाई कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। पूरे दिन अगर आप बाहर घूमते हैं, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं, शाम को आकर आप चेहरे को धोकर भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं। 15-20 मिनट आपको इसको चेहरे पे लगे रहने देना है, पूरी रात आपको इसको लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने हनी वगैरह इसमें मिक्स किया है, तो हम पूरी रात इसको लगा के नहीं छोड़ेंगे। इसको आपको इस तरह से अपने चेहरे को बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी स्किन पे थिक सा लेयर लगाना है, और जब आप इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये अपने आप चेहरे पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप छोड़ सके तो आधा एक घंटा जरूर छोड़ दें इसको, जिससे कि आपकी स्किन पे इसकी गुडनेस बहुत अच्छे से मिल जाए। जब ये पूरी तरह से लग जाए और जब भी पूरी तरह से लगे कि आपको अब्जॉर्ब हो गया है, उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी के साथ। जब चेहरे को वॉश कर लेंगे तो अब आप देखिए खुद ही नेचुरल सा शाइन देखेंगे। मैंने चेहरा धो लिया, चेहरे पे आप शाइन दे सकते हैं, चीक एरिया पे और नोज पे कितना बढ़िया शाइन आ रहा है। इसको रेगुलर यूज कीजिए, डेली यूज कीजिए, बाकी आपको बहुत अच्छे बहुत बढ़िया गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप इसको, मैं तो कह रही हूं 10 से 15 दिन नहीं, हमेशा इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने ये राइस वाटर सीरम अपने घर पे बनाया, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे। आप इसको बनाकर इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, और अब तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो भी गया है, आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पे इसको रखिए, ये 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। फ्रिज में रखेंगे तो 10 दिन तक चल जाएगा, फिर से इसे फ्रेश बना लीजिए। एक और चीज शेयर करती हूँ, आपकी अगर स्किन टाइप ऐसी है कि आपको एलोवेरा सूट नहीं करता तो आप स्किप कर सकते हैं, आपको अगर ग्लिसरीन सूट नहीं करता तो आप स्किप कर दीजिए, जिन लोगों को हनी सूट नहीं करता वो स्किप कर दीजिए। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, अपने आपको जो चीज सुटेबल है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन हमारा मेन मोटिव है अपने चेहरे पे राइस वाटर को अप्लाई करना, तो आप इसको डेली 10 से 15 दिन तक अप्लाई करके देखिए, बाकी आपको सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन ग्लोइंग, हेल्दी लुकिंग और यूथफुल बनेगी। तो इतने आसान से जीरो कॉस्ट सीरम को आप मिस नहीं करना चाहेंगे, आज ही इसको बना लीजिए, क्योंकि खर्चा जीरो है, टाइम बहुत ही हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। इसको जरूर बनाइए, इसको यूज कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ किसी और बेहतरीन छोटी सी बट हेल्पफुल वीडियो के साथ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।